हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सरकारी लोक पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन सेवन फेज में आज के डेट में सेकंड शिफ्ट में आए जीके के क्वेश्चनों के बारे में। मैक्सिमम जीके के क्वेश्चन जो आज के सेकंड शिफ्ट में आए हैं वो मैंने इस शीट में ऐड कर रखे हैं। अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, 2020 का व्यास सम्मान जो पुरस्कार वो किसको मिला? तो ये शरद पगारे जी को मिला और ये पाटलिपुत्र की सामग्री किताब के लिए मिला। सेकंड, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? तो जनरल डायर ने करवाया था। थर्ड, 1857 की स्वतंत्र क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? तो जो चर्बी के कारतूस थे वो यूज किए गए थे, इसलिए 1857 की जो स्वतंत्रता क्रांति थी उसके मुख्य कारण थे। फोर्थ, संविधान संशोधन 371 के तहत किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो सिक्किम को दिया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती है। सिक्स क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग बंधुआ मजदूर का उन्मूलन करेक्ट ट्रांसफर हो जाता। सेवंथ, बाज की स्पीड कितनी होती है? तो जो बाज की स्पीड है 320 किलोमीटर पर घंटे होती है। एट्थ, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे? तो उस टाइम जो वायसराय थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। नाइन्थ, 10,000 रन बनाने वाली भारत की महिला, यानी भारत की पहली महिला जिसने 10,000 रन बनाए और दुनिया की दूसरी महिला कौन है? तो ये मिताली राज इसका करेक्ट आंसर हो जाता। टेंथ, भारत ने रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए नेपाल को कितना धन दिया? तो ये 800 करोड़ रुपए दिए। 11, असम का लाल चावल किस देश ने खरीदा? तो ये दोस्तों यूएसए ने खरीदा। तो करंट से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं, 2021-2020 से पूछे गए हैं। 12, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कितने फुट ऊंची है? तो ये जो एवरेज चोटी है अगर फुट में ऊंचाई की बात करें तो ये है 29,031.69 फुट। 13, पैरा एथलेटिक्स 2021 में 10 मीटर एयर राइफल में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो सिंहराज करेक्ट आंसर हो जाता। 14, पीएसएलवी C-25 किस देश का रॉकेट छोड़ा गया है? तो भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाता। 15, 2020 का शांति नोबल पुरस्कार किसे मिला, यानी कि जो शांति नोबल अवार्ड है वो किसको मिला? तो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसका करेक्ट आंसर हो जाता। 16, 2020 का गांधी शांति अवार्ड किसे मिला, यानी गांधी शांति जो सम्मान है जो पुरस्कार वो किसको मिला? तो इसका करेक्ट आंसर शेख मुजीबुर रहमान हो जाता। 17, 2020 में कोविड-19 डिजिटल अवार्ड किस राज्य को मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हरियाणा हो जाता। 18, 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स, यानी कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको मिला? तो इसका करेक्ट आंसर मराकर हो जाता। 19, 2021 में विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? तो 40वीं रैंक है। 20, इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो जो ऑप्शन थे उसके अकॉर्डिंग जो इनपुट डिवाइस है तो प्लॉटर हो जाती। 21st, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार करेक्ट आंसर हो जाता। 22, कोशिका के भीतर लिपिड्स और प्रोटीन का पैकेज कौन करता है? तो गोल्जी बॉडी करेक्ट आंसर इसका हो जाता। 23, इनमें से कौन सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है? तो उसका जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग क्रैक जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता। 24, अंडमान निकोबार में कौन सी नदी बहती है? तो कल्पोंग नदी, यानी कि जो कल्पोंग रिवर है वो बहती है। 25, डोगरी बोडो संथाली मैथिली भाषा किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो 92वां जो संविधान संशोधन है तो उसके तहत ये जोड़ी गई। 26, कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम क्या है? तो जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग डिस्क
डी फ्रैगमेंटर करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों आज के ये क्वेश्चन है जो आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में जिसको मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाया हूँ, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी इससे फ़ायदा हो सके। जुड़ना चाहते हो दोस्तों ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी मिले आपको सबसे पहले। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।